गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है संडे और आज मैं जिम करके आ गई हूँ। उसके बाद मैंने कर लिया है ब्रेकफास्ट, नहा धो के पूजा पाठ हो गया है और बाल भी धुल लिया आज मैंने। सो हल्का लग रहा है यार, ऑयली हो जाता है। अब जो ब्लैक वाले जो ऐसे बाल नए नए से निकलने ना, मेरे बाल ऑयली है। अभी मैंने थोड़ा सा कलर करवाया था ना, तो वो ड्राई रहते थे तो थोड़ा सा अच्छा लगता था, फूले फूले से लगता था हाँ बाल हैं ठीक। अभी फिर ऑयली हो जाएंगे ना तो लगेंगे बाल कम है ऐसे वैसे। तो मैंने बाल थोड़ा सा धोला, उसके बाद सुखवाया हेयर ड्रायर से। उसके बाद ही मैंने स्टोरी देखा अपने दोस्त का जो ऑफिस में, सनी, तो वो आया हुआ है, आ गया है बिहार से घर यहाँ पे गुड़गांव में। तो छठ पूजा वूजा था ही ना, तो उस वजह से वो रुका हुआ था। मैंने कल ही स्टोरी देखी थी क्योंकि मेरा उसका झगड़ा हो गया था, तो मैं उसको मैसेज वैसेज नहीं कर रही थी। तो मैंने आज कॉल किया, मैंने कहा और आ गए? कह रहे नहीं। मैंने कहा आ गए हो? कह रहे नहीं। मैंने कहा मैंने देखा स्टोरी। तो बोला क्या काम है? बोलो क्यों काम से कॉल किया? मैंने गुस्सा हुआ पड़ा है। तो उसने फिर मैंने बोला कि आ गए हो तो आओ, चलो चलो मिलते हैं। क्योंकि ऑफिस जब मैं रिज़ाइन करके निकली थी तब से मैंने उससे कभी भी मिली ही नहीं मैं। तो बोला कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा अच्छा मेरे लिए टाइम नहीं है? तो कह रहा है कि ठीक है आता हूँ। तो बोला कि बाइक लेके आता हूँ, बाइक ले आऊँ। मैंने कहा ठीक है आना। तो बोला कहाँ चलेगी? साइबर अब चलते हैं। और कहाँ जाएंगे? साइबर अब चल घूम के आता है। ठीक है आज संडे। बोला कल नहीं आ, मतलब वो भी आया हुआ है थका हुआ है तो होगा। बोला कि कल नहीं? मैंने कहा नहीं कल मेरा कोचिंग है, चलना है तो आज। और आज जिम भी हो गया, नहीं तो शाम को जिम रहता है तो फिर दिक्कत होती है। बोले मैंने बोला थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लूँ फिर एक घंटे में निकलती हूँ तैयार होकर। कभी भी मेरा बुरा नहीं चाहता, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग जो जिसके ना नज़र में गंदगी ना हो और कभी गलत नहीं, मुझे पता चल जाता है वो कभी मेरे लिए गलत नहीं कर सकता। तो ऐसे उन लोग होते हैं, ऐसे लोगों को फ्रेंड बनाना, कुछ खास ही बनाओ, तीन चार ही बनाओ, लेकिन ये पता चलना चाहिए कि हाँ फ्रेंड है। हज़ार की फ्रेंड मत रखो फ्रेंडशिप, और साय कोई पीठ पीछे चाकू मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है यार। मेरा तो यही है। तो चलो फटाफट तैयार होती हो, निकलती हो। तो ये हो गई हूँ मैं रेडी, और मैंने ये सिंपल सा टी शर्ट और जीन्स डाल लिया। पता नहीं बाहर ठंडी लगेगी कि नहीं लगेगी, पता नहीं। कुछ कपड़े ऐसे बिखरे पड़े हैं, ये देखिए। हाँ मैंने ये डाल लिया जीन्स, और ये जीन्स और ये टॉप, ऐसा ना दिख रहा है, ऐसे दिखाओ। ये देखो ठीक है। बाइक ले गए भाई, बाइक लेके आ रहा है, चले गए, जाएंगे कहीं घूम के आएंगे। घूम के क्या आएंगे, साइबर अब घूमेंगे। वीडियो बहुत अच्छी बनाता है वो, बनवाऊंगा उससे। दाने निकल रहे हैं यार, ठंडी आ रही है ना, मेरे को बीमारी शुरू हो गई दाने निकलने। गर्मी में स्किन ठीक रहती है, ठंडी में ही ख़राब हो जाती है। पोनी बना लेती हूँ नहीं तो बाइक पे बाल उड़ेगी, ऐसे बाइक पे बाल उड़ेगा सीधे रह जाए। ऑफिस में एक साल काम किया, कभी भी बैंक गई नहीं उसके साथ घूमने, आज पहली बार उसके साथ बाइक पे जा रही। ये देखो कौन आ रही है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड पीछे पीछे।
लगा था कहीं का, स्टेटस देख के ब्लॉक कर डॉन आ रखा है डॉन। सही में गुंडा लग रहा है, पता नहीं कैसा हेयर स्टाइल करवा लिया। दोस्ती शरीफों के साथ रहोगे, शरीफ बनोगे, गुंडा जाके बन गए। गधा गए का भी सब वही सिर्फ करवा लिया है गधा। कहाँ पे? ओके अच्छा आता है, अच्छा लग रहा है। सामने से भी लेना होता है, यहाँ पे मैं और सन्नी जॉब के बारे में ही बात कर रहे थे, कहाँ इंटरव्यू देना, क्या करोगे, अब यही सारी चीज़ें। सन्नी की मेरी मुलाकात ऑफिस में हुई थी, फिर बात करते करते पता चला मतलब इसके घर पर फैमिली बारे में, और मेरे मैंने अपनी बातें शेयर की तो इसको ना, तो जैसे इसकी तबीयत ख़राब होने लगी थी, इसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से पेट में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ों का नॉलेज था या लीवर उवर का, तो मैंने इसको बोला कि यार यहाँ पर दिखाओ ऐसे वैसे, तो हेल्प की मैंने हेल्थ में, और इसको बोला ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहो, एक्सरसाइज करो और हेल्दी खाने खाओ ऐसे वैसे। तो ये मेरी बातें सुनता था कि नहीं ये अगर एडवाइस करती है तो अच्छा करती है, अच्छे के लिए करती है, तो बहुत सारी चीज़ें ना, तो मेरे साथ ही रहता था। और खाना पीना सब कुछ मतलब कि ऑफिस में लंच टाइम ब्रेक टाइम जो भी होता था मेरे साथ ही करता था। तो इस तरीके से ना हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी, और इसको लगता था कि मैंने इसके बुरे टाइम में साथ दिया। एक बार मैं गई भी थी इसको लेके डॉक्टर के पास दिखाने, मम्मी को पता है ये चीज़ मेरी, और मम्मी से मैंने बोला कि मम्मी इसके ना पापा नहीं है और इसका एक भाई है छोटा, और ये घर का बड़ा लड़का और इस पर पूरी जिम्मेदारी है ऐसे। मम्मी बोली कोई बात नहीं, तुम जैसे यार मेरे ऊपर भी ये दुख पड़ा हुआ है कि मेरे पापा भाई कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं था, मैं अकेले गई, मुझे नॉलेज है, चलो ठीक है मैं चली गई, आप लोग बहुत हेल्प किए यूट्यूब के ज़रिए, बहुत सारे हेल्प हुए, लेकिन उसका कोई नहीं था। तो मुझे लगा कि मैं हेल्प कर सकती हूँ। तो देखो मैं किसी का दुख जानती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हेल्प करो यार। तो यही सारी चीज़ें हैं, मुझे लगा कि उसे उसका हेल्प करना चाहिए, और तो मैंने हेल्प किया। और मेरी मम्मी भी बोली कि ठीक है कोई बात नहीं कर दो, उसे नॉलेज नहीं है, अभी छोटा है, मेरे से ये छोटा है। तो इस तरीके से मैंने इसका हेल्प किया, तो ये दोस्ती हमारी ज़्यादा गहरी हो गई इस तरीके से ना। और इसको डांटती भी मैं हूँ सारी चीज़ें, तो ये मेरी बात मानता भी है। इन सारी चीज़ों को जानते हुए ना ये बहुत रिस्पेक्ट करता है, और कभी भी मेरी बात नहीं टालता, तो मुझे अच्छा लगता है। यार मेरा कॉल देख के क्या हो रहा था, फोन खोल रहा था, क्यों ऐसे कि मेरा कॉल क्यों आ रहा है, गधा कहीं का। और डर भी लग रहा था कि कॉल क्यों कर रही है, डरना किस चीज का, और खून तो नहीं हो गया, खून खोलना तो समझ में आता है कि ब्लॉक कर रखा था। कुछ भी ले लो, कॉफी कर दो, कॉफी क्या, कॉफी। हाथ जला दिए ब्लॉक करने का, ब्लॉक करने का नतीजा मेरा हाथ ही जला दिया कमीना, कहेगा ब्लॉक में भी एक होगी। वो धनिया किसको ले रहा है, तेरी गर्लफ्रेंड जा रही है, बाइक का नंबर प्लेट है ना। क्या मेरे सब्सक्राइबर तुमसे पीछा, तुम्हारा पीछा कर लेंगे क्या, बाइक का नंबर छुपा रहा है। भाइयों बहनों देखो मैं जमीन से कितनी जुड़ी हुई, कभी स्टारबक्स में चाय पी थी, कभी रोड पे भी पी थी कॉफी, खिलाना आधा सनी ने गिरा दिया आधा है। लो वो चिड़िया देखो कैसे बैठी है, ये ऐसे क्यों बैठी है, इसको ठंड लग रही है।
यहीं से बाय बाय, टाटा नमस्ते। मुझे भी नहीं मिलना, मुझे भी नहीं मिलना। तुम्हारा गाली कौन सुनेगा? बिल बिल गाली कौन सुनेगा? दोस्तों के गाली नहीं प्यार, जितनी गंदी गाली उतना सच्चा प्यार सुना है कि नहीं? उतनी गहरी दोस्ती सच्चा प्यार कह रही हूँ, गहरी दोस्ती, जितनी गंदी गाली उतनी सच्ची दोस्ती, पता है कि नहीं? रील्स में सुना है कि नहीं बताओ पहले। चलो चलो, एक तो मेरे को ना तुम्हारा हेलमेट लगाने का मन नहीं कर रहा, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। तो लगा दो। चलो अब रुको, मेरा बॉटल रखना। स्वेटर देखो कितना बढ़िया बढ़िया है। बैटरी डिस्चार्ज है। यार ठंडा तो लग रहा है, क्या पंखा चलाऊं? थोड़ा सा आराम करूं। बाप रे कितना महंगा है भाई। डीएलएफ के अंदर का कुछ खाओ तो 1000 से ऊपर, और डीएलएफ के बाहर बैठ के खाओ तो 70 रुपए का वो कॉफ़ी दे रखा था, 2 कॉफ़ी जो थी 70 रुपए। बाप रे, बस डीएलएफ के बगल में खोला है शॉप इसलिए, इतना महंगा है यार। अरे यार पढ़ना है, कल क्लास है, दोपहर में सोने की आदत है चली गई थी इस वजह से नींद आ रही है। पानी पीती हूँ थोड़ा ना, उसको बोला पहुँच के कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना, थोड़ी थोड़ा ठीक से पहुँच जाए ना, है ना? बहुत भीड़ है यार, संडे यार, रस है आज पूरा बॉर्डर पे, क्योंकि सब्जी साग लेने वाले और इतने लोग, बाप रे इतना रस पूछो मत। तो चलो यही वीडियो का स्टॉप करती हूँ, देखती हूँ आगे खाना बनाते समय कंटिन्यू करना होगा तो करूँगी। सोच रही हूँ लाइव चली जाऊँ, क्योंकि आज व्लॉग गया नहीं है, देखो चालू नहीं किया क्या वो चार्ज करने के लिए, या मेरे फेस पे दाने निकल रहे हैं ये पोल्यूशन की वजह से क्या, कि गर्मी की वजह से? मिलती हूँ आपको कुछ देर बाद यार, बाय।